उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सालों से काम कर रहे कई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया, जिसके चलते हटाए गए कर्मचारी आक्रोशित हैं। इसी के चलते सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के मुख्य गेट पर सोमवार को जमकर प्रदर्शन हुआ। हटाए गए कर्मचारियों का कहना है कि सालों से जिस ईमानदारी और मेहनत से पार्टी की सेवा कर रहे थे, उसका सिला इस तरह से मिला है, इस वजह से बड़ा झटका लगा है। दरअसल तीन कर्मचारी लाल बिहारी, अजय कश्यप, संतोष सिंह को हटाया गया है और एक कर्मचारी राकेश कुमार का ट्रांसफर सीतापुर में किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में वो कर्मचारी भी शामिल रहे जिनको कई महीनों पहले निकाल दिया गया था। वजह यह है कि हमको 9 महीना पहले यहाँ से निकाल दिया गया था बिना नोटिस के कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है, 1 महीने का वेतन ले लीजिए और कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो उन्होंने लिख करके दिया कि हमको जो ये लेटर है लिख के दिया कि आप लोगों का AICC नियमावली के अनुसार भुगतान 28 जून को कर दिया जाएगा। अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ और आगे से कोई कर्मचारी नहीं निकाला जाएगा, लेकिन फिर 18 तारीख को हमारे 5 कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। और अभी कहा गया है अंदर से दिनेश सिंह प्रशासन ने कहा है कि अभी हम नया स्टाफ रखेंगे, तुम सबको अभी नोटिस दे रहे हैं, तो इंतजार में है कि नोटिस कब आ रही है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम 30 साल से काम कर रहे हैं। नहीं मांगी नहीं आती, क्या कुछ रणनीति क्या रहेगी आगे? रणनीति क्या रहेगी आगे? रणनीति ये है कि हमको या तो बहाली करें या हमारा जितना पैसा बनता है AICC नियमावली के अनुसार 10 साल का वेतन हमारा दें। आपको निकाल कौन रहा? हमको निकाला था प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह, योगेश दीक्षित ने, इसमें साइन है योगी दीक्षित के, शिव पांडे के और सतीश अजमानी कोषाध्यक्ष थे और दिनेश सिंह संगठन प्रभारी थे। यूपी कांग्रेस के प्रशासन प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि उनके यहां कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, साथ ही मौजूदा समय में काम की प्रकृति बदल गई है। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अपने काम की जानकारी नहीं है। वहीं वक्त बदल गया है, पहले जैसे हालात नहीं रहे, इसलिए कर्मचारियों को निकालना पड़ा है।